लोग जी रहे हैं ऐसे, मौत पर यकीन हो जैसे। मायूस वो होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वो होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। याद रखना कि कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें अमानत दी है, उस अमानत की हिफाजत करना। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप उस इंसान को कभी जताते ही नहीं कि आप नाराज हैं। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सीखते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल को लगती है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना तो वो सबके लिए अकेला ही काफी है। किसी को औकात याद दिलाने के लिए जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो दरअसल दूसरों को हमारी ही औकात बता रहे होते हैं। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा, बस याद रखें और अच्छे कर्मों की किश्तों को भरते रहें। सारी दुनिया आपके सामने झुक जाए ऐसी दुआ कभी न मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके ये दुआ जरूर मांगना। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ईश्वर उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। संदेह समस्याओं के पर्वत का निर्माण करता है, और विश्वास उस पर्वत से निकलने के मार्ग का निर्माण करता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। कोई सराहना करे या निंदा दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। गुजरे हुए कल को याद करके कुछ उसूल बना लो, आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। बहुत खूबसूरत रिश्ता है रब का और मेरा, मैं ज्यादा मांगता नहीं वो कम देता नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।